नमस्कार प्राइम उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रखर राष्ट्रवादी और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के अटल कन्वेंशन सेंटर में नेताजी सुभाष सेवा संस्थान द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में भाजपा के MLC पवन सिंह चौहान, लखनऊ के विधायक राजेश्वर सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान हमारे संवाददाता ने केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर से खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रखर राष्ट्रवादी और भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 121वीं जयंती है। लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया गया, हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। जानते हैं इस जयंती के माध्यम से क्या संदेश जाए, तमाम तरह के संकल्प उनके द्वारा दोहराए गए और तमाम तरह का आज बात उनके द्वारा कही गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज जयंती है और वो उनका ये संकल्प था कि कश्मीर में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान, यानी तिरंगा झंडा भी फहरे वहाँ पर, प्रधानमंत्री एक हो, संविधान एक हो। मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 और 35 से ख़त्म हुई, वहाँ पर तिरंगा फहरा, भारत का संविधान लागू हो रहा है, लोगों को सारी सुविधाएं मिलने का काम हो रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो मिशन था वो पूरा हुआ, इसीलिए अब नारा लगने लगा कि जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा हुआ। तो उनकी जयंती के अवसर पर यही संदेश देने के लिए आज सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और सभी हमारे विधायकगण, मनी राजेश्वर जी, पवन जी सिंह जी, हमारे अमरीश कुमार जी, मनीष जी सिदौली से, योगेश शुक्ला जी, सभी जो विधायकगण हैं वो हमारे यहाँ पर आए, और जय देवी कौशल जी जो इसमें, और तमाम सोशल मीडिया और उसके लोग शामिल हुए हैं कि इस मुहिम को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी का निर्णय है हिंदुस्तान को हर क्षेत्र में विश्व गुरु बनाना, उस क्षेत्र में मिलजुल करके सभी मीडिया के लोग काम करेंगे, सोशल मीडिया के लोग। जल संचय के लिए एक अमृत सरोवर योजना चल रही है, उसके प्रगति पर क्या करेंगे? देखिए, अमृत सरोवर योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू की है और उसके तहत सभी लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, हर क्षेत्र में विधायकों को भी, सांसदों को भी, जनप्रतिनिधियों को भी, और यहाँ तक के सभी प्रधानों को भी कहा गया अपने अपने गांव में अमृत सरोवर बनाएं। जो तालाब है वो अमृत सरोवर इसलिए कि पानी ही अमृत है, वो नहीं होगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उस पानी को बचाना है। तो अमृत सरोवर के का निर्माण हर जगह किया जा रहा है और इसमें सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अमृत सरोवर योजना को पूरी तरीके से हर जगह लागू करने में मदद करें। मंत्री जी, 15 अगस्त 2023 का लक्ष्य रखा गया है प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनने हैं, क्या मानते हैं कब तक लक्ष्य पूरा हो पाएगा समय के अनुसार? देखिए, 75 साल आज़ादी के पूरे हो रहे हैं, उस पर ये निर्णय लेने का काम किया गया है। 75 हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाना, और इसी तरह लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, तो एक टारगेट तय करते हैं प्रधानमंत्री जी और उसको पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं और उसमें सभी सहायक भी होते हैं। निश्चित तरीके से ये अमृत सरोवर योजना पूरी होगी और हम, वो दिन जल्दी आएगा कि सन 2024 में प्रत्येक घरों तक हम पीने का पानी, हर पेड़ को पानी पिए, हर खेत को पानी पहुंचाने में सफल करेंगे। योगी, आखिरी सवाल, योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, 100 दिन पूरे हो चुके हैं, क्या प्रगति रही है? और विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि कोई काम नहीं हो, केवल बयानबाजी की जा रही है। विपक्ष का काम है बयानबाजी करना, खुद बयानबाजी करते खुद उल्टा आरोप लगाते हैं। काम क्या हो रहा है उनको दिखाई दे रहा है, उन लोगों ने, जिन लोगों को, गुंडों को, अपराधियों को पाल करके संपत्ति इकट्ठा की थी, उन पर योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, इसलिए वो परेशान होकर के उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। 100 दिन में जो है योगी आदित्यनाथ जी ने लोगों का और विश्वास जीता है। आज की तारीख में अगर फिर से प्रदेश का चुनाव होगा तो हम 350 से ज़्यादा सीटें जीत के आ जाएंगे। आज हम सभी लोगों के लिए, इस भारतवर्ष के लिए और विशेषकर युवाओं के लिए बड़ा ही गर्व का समय है कि किसी शब्द को अगर हम संकल्प बना लेते हैं तो वो हम श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से यह सीख सकते हैं, और हम सभी लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का अनुसरण किया है। और जो कश्मीर में तमाम तरह की दिक्कतें थी, जहाँ कहा जाता था जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, आज हम कह सकते हैं कि वो कश्मीर हमारा पूरी तरीके से हो गया है, और एक प्रधान, एक विधान और दो संविधान का अंत हुआ है। आज एक झंडा है और एक संविधान है और एक प्रधान है। निकाय चुनाव होने वाले हैं, सभी तैयारियां लग रहे हैं, किस उद्देश्य के साथ और किस कार्यशैली के साथ आगे जाने चुनाव में लड़ेंगे? माननीय
योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास पर ही हम सभी लोग चुनाव लड़ेंगे। और विकास ही एक ऐसा मुद्दा है और सुशासन एक ऐसे मुद्दे हैं कि जिन पे हम सभी लोग चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में एमएलसी पवन सिंह चौहान भी पहुंचे, जहां प्राइम टीवी ने पवन सिंह चौहान से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कल मैंने सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में एक जबरदस्त तरीके से एक कार्यक्रम किया, जिसमें सारे ब्लॉक प्रमुख आए, जिला पंचायत सदस्य आए और पूरे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के जो सम्मानित व्यक्ति सारे लोग इकट्ठा हुए। उसके लिए हम लोग 75,000 शंकरी का पौधारोपण करने का संकल्प लिया। उसका ये नतीजा होगा कि हमारे पूरे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का जो वाटर लेवल वो ऊँचा होगा, पहला। दूसरा, जो हमारा अरण नैमिषारण नाम है, लेकिन नैमिष तो है एक अरण गाव है, तो अरण मतलब हम जंगल और अपने इनको कैसे संरक्षित संवर्धन किया जाए, उस पर बड़ी कार्य योजना कल बनाई गई। मुझको लगता है कि उसकी वजह से सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कल ही कम से कम मुझको लगा 7,500 पेड़ लगाने का लोगों ने संकल्प कल ही ले लिया। और जब ये पूरा विस्तार में हम लोग 12 तारीख से काम करेंगे, तब तक 75,000 हरसंकरी, 75,000 तरीके के पेड़ जब लगेंगे। हरसंकरी मतलब होता है एक पीपल, पाकड़ और बरगद, ये तीन पेड़ साथ लगते हैं 1 मीटर के व्यास में, तो वो उसकी जो लाइफ होती है वो सैकड़ों साल होती है और वो बड़े पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और हमारे पक्षियों को, जीव जंतुओं को उसका जो अपना फल होते हैं देते हैं, तो इसका एक बड़ा संरक्षण होगा। मुझको लगता है इससे पर्यावरण भी सुधरेगा, लोगों की आमदनी भी होगी और लोगों का एक जो व्यवसाय होता है, हमारा जो धरती सूखी चली आ रही है, उनको पानी नहीं मिल रहा है, वो पानी का बड़ा स्रोत हमारे को मिलने वाला है। यानी कब तक संकल्प पूरा करने की उम्मीद? ये संकल्प हम लोग 1 महीने का टारगेट रखा है, 1 महीने 75,000 हरसंकरी लगाने का काम किया हम लोग। उसका देश का सबसे बड़ा हरसंकरी क्षेत्र होगा। आज से 5 साल के बाद जब हम मतलब एयर व्यू लिया जाएगा तो पूरा अरण्य नजर आएगा, पूरा जंगल नजर आएगा और वृक्षारोपण हर घर में हर जगह पर आपको इसको पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेगा। योगी सरकार ने 37 साल पुराने मिथक को तोड़कर दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई है, जहां योगी सरकार ने 100 दिनों का एजेंडा तय किया था। इसी मुद्दे पर राजधानी लखनऊ के सरोजिनी नगर क्षेत्र के विधायक राजेश्वर सिंह ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की है, आपको भी सुनाते हैं। कि कार्यकाल के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, सरकार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि हमने बेहतर काम के जो भी हमने संकल्प लिए थे वो सारे पूरे कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत अच्छा। योगी सरकार के पिछले 100 दिनों में माफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी है, 800 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति उनकी जब्त हो गई है, हजारों अपराधियों को जेल भेजा गया है, शिक्षा के उसमें स्कूल चलो अभियान में और तेज़ी लाई गई है, ऑपरेशन कायाकल्प को और अच्छा किया जा रहा है, किसानों के लिए नई योजनाएं लाई जा रही हैं, बेटियों को स्कूटी दी जा रही है, ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, हर क्षेत्र में। और योगी आदित्यनाथ जी जिस स्पीड से काम कर रहे हैं और जिस स्पीड से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा बहुत जल्द। ईडी ने आज अब्दुल्ला आजम खान को बुलाया है, कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि ईडी का दुरुपयोग किया जाए, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये गलत बात है, ईडी बहुत निष्पक्ष तरीके से काम करती है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना और ईडी जो है नियंत्रण में काम करती है, कानून के दायरे में काम करती है, जो भी काम करती है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एजेंसियाँ उसके ऊपर देखती हैं, कोई गलत काम नहीं करती। सर जी, विधानसभा में क्या बैनप्रूफ काम है जो काम करने वाले हैं, जिसका आपने लक्ष्य बनाया? जल भराव को दूर करना है, जल भराव को दूर करने के लिए निरंतर नई योजनाएँ बना के सबमिट हुई हैं, नालों की बड़े मेजर रूप से सफाई हो रही है और नई योजनाएँ सबमिट हुई हैं, एक उसको दूर करना है, स्कूलों को अच्छा करना है, युवाओं के रोजगार के लिए कार्य किया जा रहा है, हर युवा को रोजगार दिलाना है। आखिरी सवाल रहेगा, प्रधानमंत्री की अमृत सरोवर योजना है, आपके सरोवर क्षेत्र में एक पुराणिक तालाब है गुरुगुरी तालाब, उसके जीर्णोद्धार के लिए क्या कार्यक्रम करेंगे? नहीं, उसके लिए चल रहा है, उसके लिए सरकार की ओर से BDO की ओर से कार्यक्रम चल रहा है और बहुत अच्छा हो जाएगा। अमृत सरोवर योजना बहुत ही अच्छी योजना है, लखनऊ में 1 मीटर प्रतिवर्ष जल स्तर गिर रहा है, उसको ऊपर करना है, आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं है, तापमान बढ़ रहा है, 1.5 डिग्री तापमान हर 2 दशक पे बढ़ रहा है, ये भी प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है, विश्व के लिए अच्छा नहीं है, तो इसका खाली इलाज यही है कि जल का संरक्षण किया जाए, पर्यावरण के लिए पौधे लगाए जाएं, 35 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य है योगी जी का वो अद्वितीय है और सारे लोग, सांसद जी, हम लोग सारे लोग, सांसद प्रतिनिधि प्रवीण जी हमारे साथ, सब लोग मिलकर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं।
लखनऊ में विधायक आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आजम खान से ईडी ने सीतापुर जेल में पूछताछ की थी। आने वाले दिनों में तंजीम फातिमा को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। कार्यालय में अब्दुल्ला आजम से सैकड़ों सवाल किए गए। पूछताछ के बाद अब्दुल्ला आजम ईडी दफ्तर से बाहर निकले तो मीडिया ने सवाल किया। करीब 6 घंटों तक पूछताछ की गई। अब्दुल्ला आजम का कहना है कि ईडी ने जो हमसे सवाल किए हमने उनका जवाब दिया है। कल आऊंगा, कल दोबारा आएंगे क्या? आपकी माँ भी कल आ सकती है? अभी ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो फिलहाल मुझे पता है कि अरे ऐसे सर ये भी आप लोग आप बातचीत कर सकते हैं। अब्दुल्ला कल भी बुलाया गया आपको? अरे मैम वो बात करते हैं अभी, वो जी उन्हें वो सवाल कर रहे हैं, मैं उसके जवाब दे रहा हूँ। लखनऊ में बर्थडे पार्टी मनाने आए विकास नगर से 9 युवक हादसे का शिकार हो गए। बीकेटी क्षेत्र में गुमती नदी में नहाते समय 3 युवकों की नदी में डूबने से मौत हो गई है, जिसके बाद दोनों का शव नदी से बाहर निकाला गया है, जबकि तीसरे युवक की तलाश लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक 9 में से 6 युवक डूबते हुए 3 युवकों को देखने के बाद डर के मारे फरार हो गए। परिजनों को पुलिस ने सूचना दी, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे। खबर अमेठी से है, जहां पर 15वें एसपी के रूप में नवागत पुलिस अधीक्षक इला मारन ने कार्यभार संभाला है। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले में महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अपराधों पर नकेल कसी जाएगी और जनता की समस्याओं का निस्तारण भी किया जाएगा। इला मारन 2016 बैच के आईपीएस हैं। मेरा पहला जिले ज्वाइन किया है। मैं सभी मीडिया बंधुओं को द्वारा इस सभी जनपदवासियों का मैं अनुरोध करूंगा और मैं एक आश्वासन भी दे दूंगा, ये पहला मेरा पहला पोस्ट है। मैं यहाँ गरीबों का, हर सभी सेक्शन का लोगों का बहुत ईमानदारी से, बहुत सिंसियरली इंटेग्रिटी वाइज भी मैं काम कर लूँगा। मेरा फोकस रहेगा पुलिस का हर डोमेन में, फिर भी ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा महिला सुरक्षा और ये पब्लिक का, पुलिस का इंटेग्रिटी और बिहेवियर में मेरा फोकस रहेगा। नगर निगम के द्वारा गृह कर बढ़ोतरी के मामले में तूल पकड़ लिया है। जहां पहले नगर के मेयर के द्वारा नगर निगम के द्वारा बढ़ाए गए गृह कर को लेकर खेद व्यक्त किया था, अब पार्षदों के एक दल के द्वारा नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों के द्वारा खुला पत्र लिखते हुए नगर निगम के अधिकारियों को पलायन करने की धमकी दी गई है। मांग पूरी न होने पर प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। देखिए, ये जो पूरे शहर के पार्षद आज इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो यहाँ पे नगर निगम ने जो हाउस टैक्स लगाया है, हाउस टैक्स कर जो जनता देती है, जो नगर निगम का अधिकार है, लेकिन उसके ऊपर जो परसेंटेज बढ़ा के इन्होंने लगाया है, इतना रिवाइज कर दिया है कि लोग देने में असमर्थ हैं। जो नगर निगम की तानाशाही चल रही है उसको लेकर आज सारे अलीगढ़ के पार्षद एकजुट होकर आए हैं। हाउस टैक्स की मार जो गरीब जनता पर पड़ रही है उसको लेकर हम लोग इकट्ठे हैं। देखिए, मैं एक छोटा सा आपको वो बता दूं कि हमारा वार्ड नंबर 32 है, गली नंबर 5, महबूब नगर, मोहम्मद अनीश का, जिनका बिल करीब 500 या 600 रुपये सालाना आता था। गाटर पत्थर का मकान है, बहुत छोटा सा मकान है, उसका 54,000 रुपये का बिल आया है। ऐसा नहीं कि हम लिखत में है सब कुछ, इसी के आंदोलन में हम लोग की तैयारी चल रही है। अगर ये तानाशाही रवैया नहीं छोड़ते तो हम इस पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अलीगढ़ के मोहनलाल गौतम राजकीय महिला चिकित्सालय में चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अस्पताल को हाईटेक किया गया है और सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। सीएमएस रेणु शर्मा ने बताया कि निगरानी रखने में काफी दिक्कत हो रही थी। पिछले दिनों एक मरीज का आईसीयू वार्ड से मोबाइल चोरी हुआ। मरीजों और तीमारदारों का अस्पताल की ओर से सहयोग किया जा रहा है। हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने 4 पॉइंट्स पे कंप्लीट डिफरेंट सेटअप्स लगा रखे हैं। एक सेटअप हमारा पुराना ओपीडी विंग में है, जिसका फार्मेसिस्ट के कमरे में सारे कैमरेज लगे हुए हैं, अराउंड 5-6 कैमरे हैं।
दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में है, इसे पीपीसी सेंटर एंड सारी एंट्री ऑफ द हॉस्पिटल, एग्जिट ऑफ द हॉस्पिटल सारे कवर होते हैं। तीसरा सेटअप मेट्रन ऑफिस में है, जिसे ऑक्सीजन प्लांट एंड नई बिल्डिंग के एंट्री गेट कवर होते हैं। एंड फोर्थ सेटअप हमारा नई एमसीएच बिल्डिंग में है, जिसके सारे फ्लोर्स पे कैमरे हैं एंड बिल्डिंग के चारों तरफ कैमरे हैं। अलीगढ़ भाजपा नेता विनय सहित तीन लोगों को डीजे कोर्ट ने हत्या के मामले में दोष मुक्त किया है। विनय एटा की जेल में बंद लगभग ढाई साल से था। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बवाल के दौरान हुई तारिक की हत्या में तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। तारिक ने मौत से पहले दिए बयान में तीन लोगों पर आरोप लगाया था। बता दें कि सिविल लाइन थाना इलाके का ये मामला है। पूरा मामला 24 फरवरी 2020 को CAA और NRC के खिलाफ यहाँ हंगामा हुआ था ऊपरकोट पर, उसमें 5-6 मुकदमा दर्ज हुए थे। उसी बीच में ये विनय के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ और जिसमें विनय को आरोपी सुरेंद्र त्रिलोकी तीनों लोग बनाए गए थे, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम वाद करा दिया था। इस चक्कर में इसके लिए ये मुकदमा दर्ज कर दिया गया और पूरे मुकदमे में कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं पाया गया, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं था जो बिना इसमें आरोपी पाया गया। हरदोई से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां नवजात बच्ची का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। ग्राम सभा कुकुही के प्रधान प्रतिनिधि निर्भय राजवंशी ने कछौना पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात बच्चे के शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। अलीगढ़ में प्रधान की मनमानी से गांव की सड़कें गंदगी से बदहाल हो चुकी हैं। कई तरह की बीमारियों के फैलने का डर भी ग्रामीणों को सताने लगा है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। सरकार के मुख्य एजेंडे सबका साथ सबका विकास को चूना लगाया जा रहा है। सरकार कस्बे और देहात में विकास के लिए पैसा दे रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हरदोई में एक युवक को युवती के साथ छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। युवती के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने पकड़कर उसको पीटा, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल युवती अपनी दादी और मां के साथ बाजार से कुछ सामान लेने गई थी। पाली थाना अध्यक्ष सुनील दत्त कौल ने बताया कि युवक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।